हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज बताएंगे ब्लाउज में फिटिंग कैसे करते हैं। जिन लोगों के पल्ला छोटे बड़े हो जाते हैं तो फिर ब्लाउज इधर उधर भागता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। फ्रेंड, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, एक लाइक भी कर दीजिए। और हमारे फिटिंग बताने का आइडिया पसंद आए तो हमें ज़रूर बताना, तभी ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। चलिए तो आज हम बताते हैं कैसे फिटिंग करते हैं अपनी ब्लाउज की। मैं जब ब्लाउज बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से फिटिंग करती हूँ, तो हमारा ब्लाउज इधर का उधर बिल्कुल नहीं भागता है। तो चलिए, मैंने पाइपिंग लगा ली है और पल्ले दोनों ज्वाइन कर लिए हैं, तीनों पल्ले ज्वाइन कर लिए हैं अच्छे से। अब हमें फिटिंग देना है। आस्तीन हम फिटिंग करने के बाद ही लगाते हैं, वैसे भी लगा लेते हैं मगर ऐसे में आस्तीने और हमारी फिटिंग एकदम बहुत ही अच्छे से आती है, एकदम बहुत सुंदर। एक हमें निशान यहाँ पे लगाना है और एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत अच्छे से बताऊंगी। फ्रेंड, बहुत समझने वाली बात है, आपका ब्लाउज कभी इधर का उधर नहीं भागेगा। कभी कभार कपड़ा बहुत ज़्यादा सरकना हो जाता है तो हमारा इधर का उधर हो जाता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। कुछ ऐसा ही हमारा कपड़ा है तो मैंने सोचा जैसे मैं फिटिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक निशान मुझे यहाँ पे लगा लेना है। अब हमें देना है पीछे का चेस्ट, 8.5, 8.5 पे लगाना है। इससे हमारा पीछे का जो आर्म होल होता है वो बिल्कुल सिमटे नहीं आते हैं। बहुत लोगों के पीछे से सिमटा आ जाते हैं, घुसा घुसाता रहता है और चुन्नेटे से पड़ जाती हैं। तो मैं पीछे निशान लगाती हूँ पीछे वाले पल्ले में, उसी के हिसाब से फिटिंग करती हूँ, कभी भी आगे के पल्ले के हिसाब से फिटिंग नहीं की है। तो हमारा पीछे बिल्कुल चुन्नेटी नहीं आती है ब्लाउज में। तो ये हमने निशान लगा लिया है, इस पर ही हमें सिलाई लगा लेना है। तो चलिए अब एक और आइडिया बताऊँगी मैं। इसे थोड़ा सामान लेना है अच्छे से, इसे इस तरह से बराबर बराबर बिल्कुल रख लेना है। अब हमारा दूसरा भी निशान लग जाएगा, देखिए दूसरा निशान लग गया है। इसको भी हम थोड़ा खड़ा करेंगे, इस पे ही हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग एकदम बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, हमारा ये आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो। अब हम इसको, चलिए अब हमें एक निशान और लगा लेना है, वो तो हमने अंदर लगाया, अब हमें बाहर की साइड लगा लेना है। बिल्कुल बराबर कर लेना है अच्छे से यहाँ पे, इससे भी हमारा बराबर पल्ला रहता है। ये हमारा हाई वाला पल्ला है जिसमें हम हाई ज्वाइन करेंगे, और ये हमारा हुक वाला पल्ला है। हुक में हम अंदर के लिए पट्टी लगाते हैं और हाई में बाहर के लिए पट्टी लगाते हैं। तो हमें हुक के पल्ले से बराबर रखना है, जो निशान लगाया हमने इस तरह से, इस पे बिल्कुल बराबर रख लेना है और अच्छे से बराबर कर लेंगे हम इसे। जो नए लोग हैं उनके लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ब्लाउज इधर का इधर नहीं भागेगा। और ये हमारा जो इसमें हम हाई, जो हाई वाली पट्टी लगाई है हमने, ये ब्लाउज का पल्ला है, इसको हुक वाले के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब हम हुक लगाते हैं तो इसी के हिसाब से ऐसे ही तो लगाते हैं, तो हमें ऐसे ही पल्ला रख लेना है और बराबर कर लेना है बहुत अच्छे से। देखिए ये हमारी हाई वाली पट्टी है और ये हुक वाली पट्टी है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, उसे ऐसे बराबर कर लेंगे। बिल्कुल पल्ला हमारा इधर का उधर नहीं होगा, ना ब्लाउज हमारा तिरछा होगा। मैं ब्लाउज की फिटिंग ऐसी ही करती हूँ। अब हम जो, अब इसको अच्छे से संभाल के इस पर हम पिने लगा लेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल भागेगा नहीं। बीच में तो पिन बहुत ज़रूरी लगानी है। यहाँ पे भी लग गई है,
अब हम साइड से भी पिने लगा लेंगे। दोनों साइड लगाएंगे, पिने हमने लगा लिए हैं फटाफट। अब हम इसको पलटेंगे। पलटेंगे इसलिए जो हमने निशान लगाए हैं हमें सिलाई इस पे ही लगाना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम थोड़ा सा काट देंगे और रहने देंगे उसको। कहीं बीच में अगर हमारा टाइट होने लगे तो हम उसे अच्छे से ढीला कर सकें, और जो थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर लटक रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। इधर की साइड भी काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं ब्लाउज की फिटिंग। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम दिखाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और जो हमने पिने लगाई हैं अब उसको हम निकाल के रख देंगे। तो हम आप लोगों को सिलाई दिखाएंगे। सिलाई के बाद हम जब आस्तीने लगाएंगे वो भी दिखाएंगे। आस्तीने लगने के बाद देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल बराबर लगाइए, बहुत अच्छे से लगी हुई है। नीचे अभी हमें बहुत कुछ काम करना है, इसमें हुक भी और हाई तुरपाई सब कुछ करना है। अभी तो हमने सिर्फ ब्लाउज की फिटिंग दिखाया आप सबके लिए। कभी कभार आप लोगों पे गलती हो जाती है जो नए नए लोग हैं, तो इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग करें, बिल्कुल गलती नहीं होगी, बिल्कुल ब्लाउज हमारा तिरछा नहीं होगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे आस्तीन। फिर आस्तीन ज्वाइन करने के बाद फिर दिखाएंगे हम आप लोगों के लिए। तो देखिए हमने आस्तीन भी लगा ली है, बहुत अच्छे से आस्तीन भी लग गई है हमारी, एकदम फिट लगी हैं। तो ये वीडियो हमारी पसंद आए और हमारे चैनल पर पहली बार आए, थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम इसी तरह से हम अपनी सिलाई करते हैं और यूजफुल वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे। देखिए हमारी आस्तीनें भी बहुत सुंदर लग गई हैं और हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।